पर देखिए, आज का दिन सियासी लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि कहा जा रहा है कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीख पर बड़ा अपडेट यह है कि आज चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों नए चुनाव आयुक्त आज अपना चार्ज भी संभाल लेंगे और इसके बाद लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों में देरी की वजह यह भी बताया जा रहा है कि चुनाव आयुक्तों का पद खाली था, लेकिन अब दोनों पद भर गए हैं और आज ही दोनों चुनाव आयुक्त अपने पदभार ग्रहण कर लेंगे। पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। गुरुवार सुबह नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की बैठक हुई और शाम को नोटिफिकेशन जारी हो गया। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 8 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनसे पहले पिछले महीने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए थे, जिसके चलते दोनों पद खाली थे, लेकिन अब दोनों पदों पर नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति हो गई है। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया पर चयन समिति के सदस्य और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नाराजगी जताई है। ये बहुमत है उनका, पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानते हूँ कि ये बहुमत इनके पास है। CGI साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि CGI बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वह अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे, यही तो बात है। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर यह है कि आज प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया में CGI को भी शामिल करने की मांग की गई है। दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और CGI का होना जरूरी है, मतलब होने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें सिलेक्शन कमेटी में CGI को जगह नहीं मिली है और इसमें सिलेक्शन कमेटी में CGI की जगह पर PM की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। हालांकि अब जब दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां गुरुवार को हो चुकी हैं, ऐसे में आज कोर्ट में इसकी भी जानकारी दी जाएगी। चुनाव से पहले देश की जनता को सौगात मिली है, पेट्रोल और डीजल के दामों में कंपनियों ने 2 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 22 महीने के बाद घटे हैं। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम 2022 में घटे थे। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई थी। उसके बाद से अब दाम 2 रुपए प्रति लीटर घटाए गए हैं। इसकी जानकारी गुरुवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के परिवार का हित और सुविधा उनका लक्ष्य है। दिल्ली में अब पेट्रोल 94.72 रुपए, डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपए और डीजल 92.15 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 103.94 रुपए और डीजल 90.76 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.75 रुपए हो गए हैं। डीजल 92.34 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। इस राहत से कोई खुश है तो कोई सिर्फ चुनावी स्टंट बता रहा है। 2 रुपए दाम कम हो गए और बड़ी खुशी मिली है, जिससे लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा, देश की जनता को भी लाभ मिलेगा, महंगाई भी कम होगी। थोड़ा सा और मेरे ख्याल से जगह है जिसमें वो कम कर सकते हैं। ABP News आपको रखे आगे।